फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं इसके शेयर्स एंड डिविडेंड्स के। तो इसमें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय अ 400 रुपीज़ 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, शेयर की नॉमिनल वैल्यू दी हुई है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। क्या मतलब है कि कंपनी को फ़ायदा हुआ है और इस समय उसका मार्केट रेट जो है वो +1 हो गया है उसमें। तो यहाँ पे एक मैं पहले एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 400, हमें मार्केट वैल्यू देखनी है कि मार्केट रेट दिया हुआ, रेट ऑफ शेयर्स इक्वल टू 12.5 और तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ₹1 प्रीमियम ये हमें दिया है। इसका मतलब हुआ कि 12.50 + 1 इक्वल टू कितना हुआ हमारा 13.50। मार्केट वैल्यू शेयर की हो गई 13.50। सिंपल इन्वेस्टमेंट देखना है कि कितना पैसा लगाया है, हमने फॉर्मूला देखे पहले लिखा था, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। क्या हो गया, शेयर हमने खरीदे थे 400, मार्केट वैल्यू है 13.50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा इतने रुपए उसने टोटल इन्वेस्ट किया। देखिए सीधे क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड था, यही हमारा आंसर हो गया कि उसको 5400 रुपए चाहिए इतने शेयर खरीदने के लिए।